बिग बॉस के सीज़न 16 में इन दिनों चल रहा है बड़ा उथल पुथल और कॉन्ट्रोवर्सीज का सिलसिला। आखिर बिग बॉस के सीज़न 16 में अंकित और प्रियंका को क्यों कहा जा रहा है फ्लॉप, और इसके साथ साथ प्रियंका ने क्या कुछ खुलासा किया है अंकित गुप्ता की इस चुप्पी को तोड़ने के लिए, और इसके जवाब में घर वालों का क्या रहा है रिएक्शन, चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं बिग बॉस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, बिग बॉस का ये सीज़न काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है और इस सीज़न को लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। जहां पे संबुल तौकीर शालीन की एक अपनी केमिस्ट्री चल रही है, दूसरी तरफ अब्दुल रोजाक को इतना पसंद किया जा रहा है, तो वहां पे उड़ारियां फेम प्रियंका चौधरी और इसके साथ साथ अंकित गुप्ता की भी ट्रोलिंग खूब जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल जब घर में ये बातें उठी कि कैप्टनसी को लेकर अंकित गुप्ता को कैप्टन बनाया जाए, तो लोगों ने घर के सदस्यों ने इस बात को लेकर मचा दिया बवाल कि अगर अंकित गुप्ता कैप्टनसी बनते हैं तो ये कैप्टनसी प्रियंका चौधरी संभालेगी न कि अंकित गुप्ता, जिसके चलते घर वालों ने उनको फ्लॉप कंटेस्टेंट भी बता दिया और ऐसे में बहुत सारी उंगलियां उठने लगी प्रियंका चौधरी पे अंकित को प्रोटेक्ट करते हुए, और ऐसे में अंकित और प्रियंका चौधरी की जो फीलिंग है वो भी सबके सामने स्क्रीन पर आ रही है। प्रियंका चौधरी ने साफ कह दिया कि अंकित गुप्ता को मैं हमेशा ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें अपना खुद का स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अब ये देखना बहुत साफ होगा कि क्या आने वाले एपिसोड में अंकित गुप्ता अपना खुद का स्टैंड ले पाते हैं या फिर प्रियंका चौधरी को ही उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। वेल, आप बताना इन दोनों की केमिस्ट्री क्या घर में और भी मजबूत हो रही है या आपको लगता है कि धीरे धीरे वीक होती जा रही है। उड़ारियां में जो हम केमिस्ट्री देख रहे थे वो कपल कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग दिख रहे हैं। आखिर क्या लगता है आपको, क्या सचमुच अंकित गुप्ता एक फ्लॉप कंटेस्टेंट हैं जिस तरीके से घर वाले कह रहे हैं, या आपको लगता है कि ये तो बस एक महज को बढ़ाने का जो सिलसिला है बिग बॉस में वही चल रहा है? बताइएगा ज़रूर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।